मधुपुर शहर के पन्हाकोला स्थित एक निजी आवास में भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में समीक्षा बैठक पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष फैयाज केसर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं मौके पर उपस्थित नेताओं ने संबोधन करते हुए कहा, आगामी दिसंबर को देवघर में होने वाली भारत यात्रा में मधुपुर विधानसभा से अधिक संख्या में सभी नेता व कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं उपस्थित एनएसयूआई युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फैयाज कैसर को प्रदेश सचिव बनाने पर माला पहनाकर पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने पार्टी केवल पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया, मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। मौके पर उपस्थित एनएसयूआई जिला अध्यक्ष नसीम हुसैन, मधुपुर विधानसभा अध्यक्ष राहुल सिंह, एनएसयूआई के अमजद खान, मुशर्रफ हुसैन, अलाउद्दीन मास्टर, आबिद आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। बुलाए थे इसलिए कि आप जैसा कि जानते पूरे देश में लगातार राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो है चल रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हर जिला में कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो कल गुड्डा में है, कल हम गुड्डा निकल जाएंगे चूंकि गुड्डा जिला के प्रभारी हैं, और वहाँ पर जो कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कुमार सहाय जी और हमारे सारे मंत्री जो है कांग्रेस के सब वहाँ पर रहेंगे, वरिष्ठ नेता लोग। 13 तारीख को जो देवघर में कार्यक्रम होना है उसके लिए एक बैठक आपस में कुछ हम लोग खास जो पदाधिकारी लोग हैं एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के और जो मदर कांग्रेस की, खासकर पदाधिकारी लोग को बुलाया गया था ताकि मतलब बैठ के यहाँ आपस में तय कर लें कि कैसे चलना है, क्या चलना है। अभी सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ से सैकड़ों की संख्या में चलेंगे और एक मधुपुर का एक अपना शक्ति प्रदर्शन हम लोग देवघर में दिखलाएंगे और पूरे देवघर जिला से करीब हजारों हजार की संख्या में मधुपुर से भी हम लोग वहाँ पे 3 किलोमीटर पद यात्रा है और हम लोग करेंगे वहाँ से आपका शहीद आश्रम से लेके अम्बेडकर चौक देवघर वीआईपी चौक के आगे तक वहाँ का कार्यक्रम है। उसी के लिए आज केवल पदाधिकारियों का एक बैठक है। अब तमाम यहाँ के कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी, तमाम प्रदेश के लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पूरा विस्तार हुआ है उसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुझे सचिव बनाया गया है। उसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजेश ठाकुर जी को, सेल्फी लीडर माननीय मंत्री आलमगीर साहब को, साथ ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अविनाश पांडे साहब, तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि एक हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता जो शुरू से हम नीचे से जुड़े हुए हैं आज मुझे प्रदेश में जाने का मौका दिया है, उसके लिए हम तमाम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। और मधुपुर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जो हैं उपस्थित हैं, हमारे नौजवान साथी युवा लोग हैं, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस के तमाम लोगों ने जो मुझे स्वागत किया, माला पहना के, मैं इसे नहीं भूल सकता हूँ। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।